वेलकम बैक अगर मैं यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी एंड फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खैरियत से हैं। और जी जो आप सब में से ठीक नहीं है, खैरियत से नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाएं, सबकी तबीयत को ठीक रखें। और आमीन सुम्मा आमीन, सारी सब लोगों की सारी जायज़ हाजात को कबूल फरमाएं अल्लाह पाक। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी दुआ के साथ। और आज मैं जो हूँ आप लोग से बहुत मजे की शेयर करूँगी चीज़ें, तो बने रहिएगा एंड तक, दिखते रहिएगा। और अभी मैं बनाने जा रही थी चाइनीज़ बिरयानी, तो चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि जो है अब व्लॉग भी ना मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ जब बना रही हूँ बिरयानी, तो इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोग जो है एंड तक दिखते रहिएगा, बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर 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 कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो है मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो है अभी आप देख रहे हैं मेरा ये पिंपल हो रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा हाइड कर लिया है, और ये किस तरह से हाइड किया मैं आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह बताऊंगी कि इसको झटपट कैसे जो है छुपाया जा सकता है, कैसे हम इसको हाइड कर सकते हैं अपने पिंपल्स को, क्योंकि लड़कियों के साथ ये बड़ा मसला रहता है ये, और ये हो जाता है, अब क्या करें इसको, इसको भी तो कहीं ना कहीं छुपा रही होता है ना, तो इस वजह से इसको मैंने छुपा लिया फिलहाल तो। बट ये कि आप लोगों से भी बताऊंगी कि कैसे जो है अपने पिंपल्स हों और उसको बिल्कुल हाइड कर लें, छुपा लें, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। और बिल्कुल 5 मिनट का भी काम नहीं है, 1 मिनट का काम है ये, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा और मेरी टिप को जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है कम बजट में घर में जो चीज़ें उसी से ही आपका जो है ये पिंपल भी हाइड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और कन्फ्यूज़न जो जिन लड़कियों को होती है कि किसी के सामने जाने में कन्फ्यूज़ होती है, तो वो भी नहीं होगी। चलिए जी बस है ना, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, और एंड तक दिखते रहिएगा, बहुत कुछ है ब्लॉग में दिखाने के लिए, तो आखिर तक बने रहिएगा। अच्छा जी यहाँ पे मैंने ना वेजिटेबल ले ली थी चाइनीज़ है ना बिरयानी बनाने के लिए, 2 शिमला मिर्च ले लिया थी और ले लिया थी नहीं ले ली थी और जो है 2 गाजर ले ली थी मैंने, और ये थी कुछ हरी प्याज थी, ये थी 4 से 5 थी ये पूरी, और ये मटर लिए थे मैंने इसके लिए, और जो था ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था, ठीक है। ये जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लिया था। एक मैंने चिकन का क्यूब ले लिया था, ये थी कैबेज ले ली थी, हाफ कैबेज थी, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही कैबेज थी ये, ठीक है। और जो था बाकी मैंने ये विनेगर ले लिया था, वाइट विनेगर, और काली मिर्च ले ली थी, और सोया सॉस और है ना चिल्ली सॉस, बस बस ये ही जाएगा, बस ये इतने से ही 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें है ना बन जाएगी बिरयानी हमारी बहुत मज़े की तैयार। अच्छा जो है यहाँ पे मैंने जो है वेजिटेबल्स ली थी, जो आप अपनी मर्ज़ी से और भी ज़्यादा ले सकते हैं वेजिटेबल्स, बट ये कि मैंने जो है ना ये वाली इतनी ली थी, ये मुझे बस यही अच्छी लगती है बिरयानी में ना चाइनीज़ बिरयानी में यही, अगर आपके पास जो बीन्स हैं ग्रीन बीन्स हैं वो भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है चॉप करके ना सब रख लिया था, कटिंग वटिंग कर ली थी, यहाँ पे गाजर, यहाँ पे शिमला मिर्च, मटर और ना हरी प्याज मैंने काट ली थी और गोभी काट ली थी, और ये मैंने चिकन ले लिया था 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था, बोनलेस चिकन था ये, आप भी बोनलेस लीजिएगा अगर आप जो है चाइनीज़ बिरयानी बना रहे तो उसमें जो है बोनलेस ही जाएगी, अगर बोनलेस नहीं है आपके पास तो फिर ना जो मर्जी है वो ले लेगा फिर, वैसे बोनलेस ही जाती है उसके अंदर ना चाइनीज़ बिरयानी में। और यहाँ पे जो थी मैंने 2 कप है ना राइस ले ली थी, ये राइस बॉयल करके मैंने रख लिए थे, सिंपल नमक डाल के बॉयल करके रख लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है अभी हम नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो है कि मैं पैन में जो थी ऑयल डाल रही थी, और जो है आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा, यहाँ पे जो है मैंने अपने हिसाब से लिया क्योंकि इतना जो है ऑयली भी नहीं करना था, यहाँ इस वक्त भी मैं है ना ऑयल डालूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं आँख में जब है ना लेयर लगाऊंगी तब भी थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि क्या इसका स्टेप करना है। अच्छा यहाँ पर जो था मैंने अदरक लहसुन और प्याज का जो है वो पेस्ट डाल दिया था, और सॉरी अदरक लहसुन और है ना वो हरी मिर्च का मैंने जो है पेस्ट बना के वो डाल दिया था, उसके बाद फिर मैंने वो थोड़ा सा उसमें भुना, हल्का सा जो मैं मतलब भुनी गया वो हल्का सा, तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, और जो है अब मैं चिकन के साथ थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, फिर जो है इसकी है ना हम थोड़ी सी बस थोड़ी सी भुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं कि बहुत ही भून भून के ना बिल्कुल ही है ना चिकन को ख़त्म ही कर दें या कड़क सा कर दें या जला दें, मींस कि है ना ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, ठीक है। बस अभी ये क्योंकि वेजिटेबल डालेंगे उसमें कुक हो जाएगी, बोनलेस है तो बोनलेस को ज़्यादा कुक करने की वैसे भी ज़रूरत है ही नहीं। फिर देखिए इसमें मैंने यहाँ पर जो थी वेजिटेबल्स डाल दी थी, प्याज थी, हरी प्याज थी, और हरी प्याज ये वाइट वाला पार्ट था, ठीक है, और जो था ये मटर थे,
और गाजर, ये वाले अभी वेजिटेबल मैंने अभी डाली है। बाकी जो है शिमला मिर्च और है ना गोभी, वो अभी मैंने बचा ली है, वो थोड़ी देर में डालूंगी। पहले मैंने ये डाल दिया था मटर, गाजर और जो था वो ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट, स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट मैंने डाला है। ग्रीन वाला मैं सबसे आखिर में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने एक चिकन का क्यूब भी डाल दिया। बस ये डाल के आप जो है थोड़ा इसको भुनाई करते रहें, बस थोड़ा सा आप भुने और है ना ये वेजिटेबल जो अपना ना कलर छोड़ेंगी, वो सॉरी पानी छोड़ेगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ी रखिएगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है काली मिर्च, आप अपने हिसाब से जो है मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक अपने हिसाब से हंसबे जायका लीजिएगा। नमक की मैंने क्वांटिटी बताई नहीं है और नमक का मैंने दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली नमक तो डलता ही है, और नमक जो है आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम ज़्यादा जो भी रखना हो उसी हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा कुकी है ना वो भुनाई कर रहे हैं हम, जैसे भुनाई करेंगे इसकी तो फिर हम ऐड करेंगे ये तीन सॉस। मैंने लिया इसमें सिरका और जो है सोया सॉस और चिल्ली सॉस, ये मैंने तीनों मिक्स कर लिया, ठीक है। ये तीनों मिक्स करके हम इसी में डाल देंगे एक साथ, ये गया इसमें, ठीक है ना, एक साथ दे लिया। आप जो है टू टू, मैं तो अपने हिसाब से लिया है क्योंकि मुझे आदत हो गई बना बना के। आप लोग जो है थोड़े से अगर जो न्यू है लोग तो वो फिर है ना टू टू जो है टेबलस्पून ले लीजिए, एक वन टेबलस्पून सिरका लीजिएगा, टू टेबलस्पून जो है चिल्ली सॉस और टू टेबलस्पून सोया सॉस। ये इस तरह से लेके सारे सॉसेस चले गए हमारे, नमक चले गया है, चिकन क्यूब चला गया है, काली मिर्च चली गई है और वेजिटेबल चली गई है। बस इसमें बुनाई हो रही थी तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी और इसमें शिमला मिर्च, ठीक है। अब हम इसको डालेंगे, इसके बाद जो है इसको हल्का सा ही जो है मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो है गोभी भी पानी ना एकदम छोड़ देती है, तो तेज़ आंच में इसको भुनेंगे। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि इसका सारी सब्जियों का फ्लेवर ही चला जाए या फिर है ना सारी सब्जियां जो है अपना कलर ही ना बिल्कुल ख़राब कर दें, तो इसलिए हम इतना ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ बिरयानी है तो चाइनीज़ बिरयानी में वेजिटेबल्स का कलर जो है रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका कलर जो है वो आखिर तक है ना रहे और ना मज़े का है ना, जैसे इसको मज़े का भी लगता है, देखने भी अच्छा लगता है अगर आपकी जो है सब्जियों का कलर आपका ज़्यादा है ना कुक ना हो और फ्रेश रहे, ग्रीन ग्रीन सी हैं तो ग्रीन रहे, रेड तो रेड रहे। तो बस इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद जो थे मैंने राइस जो बॉयल करके रखे हुए थे, अब मैं इसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा जो दम कर दिया था, दम पे लगा दिया था, उसके बाद जो है फिर मैं इस पर लेयर लगाऊंगी राइस की, ठीक है। बस थोड़ा सा मैंने 5 to 6 मिनट मैंने दम पे रखा था, क्योंकि जो है सब कुछ ऑलरेडी इतना इसमें कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी कुक ही हो जाती हैं, कि बस 5 से 6 मिनट को बस भाप ही लगती है तो वेजिटेबल गल जाती है। अच्छा मेरे पास फ्रोजन थे मटर, तो मेरे मटर ज़्यादा जल्दी गल गए, ठीक है। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा सा दम पे रख के पका लीजिएगा। उसके बाद जो था मैंने ना लेयर लगा दी है राइस की और थोड़ा सा पानी डाला है, काली मिर्च ऊपर से डाल दी है और जो है हरी प्याज मैंने ऊपर से डाल दी है। हरी प्याज जो है बिल्कुल आप और आखिर में भी डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी डाल दी थी, थोड़ा सा कलर ख़राब हो गया था, फिर मैंने बाद में थोड़ी सी और ऊपर से डाली थी। अच्छा थोड़ा सा ऑयल भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा, ऑयल तो है ना जब हम जैसे है ना बिरयानी में लेयर लगाते हैं तो उसी तरह हम ऑयल भी ना ऊपर से डालेंगे। ये डाल के ये सब चीज़ें करके आप इसको दम पे रख दीजिएगा। जब आप इसको दम पे रख देंगे 20-25 मिनट्स के लिए बस दम पे रख दें, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है ना कुक ही था। और जो है बस उसके बाद आप ये जो है गर्मा गर्म बिरयानी सर्व करें और खाएं और इन्जॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो है जब बनाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, एंड तक देखते रहिएगा, ओके। अभी जो है बस मैं मिक्स कर रही थी, क्योंकि जो है इसकी मिक्सिंग लाजमी होती है ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाए। और जैसे हम बिरयानी की ना मिक्सिंग करते हैं, इसी तरह हम जो है चाइनीज़ बिरयानी की भी मिक्सिंग करेंगे। भी जहर सी बात है, मिक्सिंग करेंगे तभी तो हर चीज़ का फ्लेवर आएगा निकल के हर राइस के ना एक इतने वाले में। तो खैर बस जी हमने खाना वाना खा लिया था और खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे। यहाँ जो था ये सेकेंड डे का क्लिप है, यहाँ पे जो है मैं लंच कर रही थी। हाँ लंच के लिए जो है मैंने अपने लिए वही लेफ्ट ओवर जो मेरे राइस थे चाइनीज़ बिरयानी, बस वो मैंने निकाल लिया था और थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ना चाय भी बना ली थी, लियाना को भी मुझे थोड़े से राइस खिलाने थे। और यहाँ पे जो थी मैंने इसके लिए लियाना के लिए सूजी भून ली थी। अच्छा मैं हर दफ़ा कहती हूँ, मैं बताऊँगी आपको है ना बच्चों का खाने का कस्टर्ड जो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, सूजी और है ना साबुदाने का कस्टर्ड मैं बनाती हूँ, सूजी साबुदाना और दलिये का कस्टर्ड बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपसे ना बहुत जल्द है ना शेयर करूँगी। अभी तो मैंने सूजी भून के रख ली थी कि मुझे सूजी बनानी थी, इसका कस्टर्ड बनाना था, सूजी दलिये साबुदाने का मिक्स करके बनाती हूँ मैं।
तो अभी मैंने सूजी भून के रख ली थी यहाँ पे, जो थी मैं थोड़ा सा है ना अपना लंच वगैरह कर रही थी। लंच मेरा वैसे बहुत देर हो गई थी, मुझे 4:30 हो गए थे, और 4:30 बजे जो था मैंने अपना लंच किया था, बहुत लेट था। और जाहिर सी बात आप लोग बोलेंगे कोई लंच का टाइम है, बट ये है कि मेरी टाइमिंग कभी आगे पीछे हो जाती है। और जो है बस लियानो को भी मुझे खिलाना था, तो लियानो को खिला रही थी। यहाँ मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा था, अब माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ह्यूमिडिटी अभी नहीं हो रही है। बड़ा अच्छा मौसम है ना आजकल चल रहा है, और जो है वो नहीं है, चिपचिपाहट नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, गर्मी ऐसी नहीं है, गर्मी है बट ऐसी नहीं है कि बस हाल से बेहाल हो रहे हों, मतलब कि बस अब माशाल्लाह घर जो है वो ठंडा रहता है। अब बाहर निकलो तो होता है कि वाकई बड़ी गर्मी हो रही है, बट जो है घर है ना थोड़े अच्छे हो गए, वरना घर में बड़ी है ना भाई आग बरस रही थी और रहा भी नहीं जा रहा था, एसी के बगैर गुजारा बिल्कुल ही नहीं था और ना रहा भी नहीं जा रहा था ना। खैर है ना यहाँ पे जो थी हम लोग बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, मेरे हस्बैंड को जो है अपने फ्रेंड से मिलना था, तो बस हम लोग जो है खाना वाना खा के थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर चले गए थे कि थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, घूम भी लेंगे, और जो है इनको है ना काम भी था, अपने फ्रेंड के पास जाना था, तो बस वहाँ पर जो है ये गए थे। और हमें लेना तो यहीं गाड़ी में बैठे थे, इनको कुछ काम था तो बस गया आ गए थे, थोड़ी देर के काम था इनको अपने फ्रेंड से, तो उसके बाद बस हम लोग जो है थोड़ा सा आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के फिर हम लोग जो है घर गए थे। माशाल्लाह जो है बड़ा अच्छा दिन गुजरा, और जो है अच्छा टाइम हमारा एक्सपेंड हो गया था पूरा दिन। अच्छा शॉर जब घर पर होते हैं ना तो बड़े ना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि यार भाई ले जाइए कहीं, वरना घर में तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं। यहाँ की लाइफ तो ऐसी ही, बस शौहर बच्चे घर यही लाइफ है हमारी यहाँ पे ना। खैर बस आप लोग जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग मेरा यही था, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।